कार दोस्तों मैं अक्षय आप सभी का एस एस सी अड्डा ट्वेंटी पर स्वागत करता हूं कैसे हैं आप आप सभी लो? आप सभी लोग आई होप कि विद्यार्थी बहुत अच्छे होंगे चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने क्लास की। क्लास की की शुरुआत करने से पहले एक बार सभी स्टूडेंट जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं एक बार जल्दी से वीडियो के लिंक को कॉपी करें और जहां तक आपकी रीच है जिस ग्रुप में आप एक्टिव है जहां तक आप शेयर कर सकते एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए ये क्लासेस उन सभी स्टूडेंट तक पहुंचनी बहुत आवश्यक है जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों इस वक्त एसएससी जीडी की तो चलिए शुरुआत करते हैं राधे-राधे हम क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं जितने भी लोग विद्यार्थी मेरे लाइव आ चुके हैं कितनी बार भी समझा दो कृपया जल्दी लाइव आया करो ठीक है धीरे-धीरे ही जुड़ेंगे ठीक है गलत तरीका यार मतलब सात बजे आप लोगों को लाइव आ जाना है ये चीज माना करो कि 7 एम मैथ की क्लास होती तो 7 एम आप लोगों को लाइव आना है सभी लोगों को ठीक है ठीक है चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ये क्लास डेडिकेटेड है हमारे एसएससी जीडी के विद्यार्थियों के लिए जीडी वालों जीडी वालों ध्यान से देखो आज कितनी तारीख हो रही है 20 तारीख 20 तारीख बीस तारीख का जीडी में बहुत महत्व क्योंकि बीस जनवरी के बीस बीस जनवरी आएगी और बीस जनवरी के बाद बीस फरवरी आएगी है कि नहीं है चलिए राधे राधे गुड मॉर्निंग और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं अगर आप जी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास जीडी डी महापैक होना चाहिए अगर आप जी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास जीडी डी महापैक होना चाहिए इसको ज्वाइन कर लीजिए कहां से ज्वाइन करेंगे मैंने आपको बता दिया आपको सिंपली अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम या बच्चों अड्डा के ऐप पर विजिट करके वाई वन सेवन जीरो आप कूपन कोड लगाकर लगा आप इसको ज्वाइन कर लीजिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है इसके अंदर हर वो चीज मिलेगी जो जीडी क्लियर करने के लिए आवश्यक है और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ऑल एसएससी एग्जाम को एक साथ कवर करना चाहता है वो हमारे एस एस सी महापैक में जा सकता है तो एस एस सी महापैक में ऑल एस एस सी एग्जाम कवर है एडमिशन लेने का इनरोलमेंट कराने का प्रोसेस सेम है अंडर ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम या एप पर विजिट करके वाई वन सेवन जीरो कोड लगा लेना है चलिए शुरू करें ठीक है शुरू करें रेडी चल दोस्तों आई थिंक हो गई होगी अभी वाईस क्लियर हो गई होगी, का नहीं होगा अब, सब ठीक है, सर आवाज, चेक है करें, आवाज चेक कर ले मैं चेक कर लेता वॉइस को और फिर क्लास की शुरुआत एक मिनट हो गई होगी आज वॉइस थोड़ी सी चल शुरुआत करते हैं। क्लास की सर आवाज अजीब हो रही है नहीं नहीं वॉइस तो ठीक ही होनी चाहिए वॉइस ठीक होनी चाहिए चलिए आएगी वॉइस अब वॉइस बिल्कुल प्रॉपर आएगी चलिए शुरुआत करते हैं रेडी कमेंट में लिखो यस सर रेडी सारे विद्यार्थी एक बार कमेंट में लिखें यस yes, सर रेडी शुरुआत की जाए सारे विद्यार्थी कमेंट में लिखे यस सर रेडी शुरुआत की जाए चलिए अब बिल्कुल वॉइस ओके हो गई होगी वाइस बिल्कुल प्रॉपर हो गई होगी अच्छा ठीक नहीं है सर चलो ठीक है शुरुआत करते हैं चलिए पहला क्वेश्चन लेकर आता हूं बहुत ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से देखिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन बचे आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एक वेबसाइट पर एक स्मार्टफोन एक वेबसाइट पर एक स्मार्टफोन अठारह हजार रुपए में बेचा जाता है एक वेबसाइट पर एक स्मार्टफोन 18000 हजार रुपए में बेचा जाता है जिस पर पच्चीस हजार रुपए का मूल्य अंकित है तो बताओ कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है कितने प्रतिशत की बेटे छूट दी जा रही है कितने प्रतिशत की बेटे छूट दी जा रही है एक वेबसाइट पर एक स्मार्टफोन है जो कि अठारह हजार रुपए में बेचा गया है आमिर सर एक बार वॉइस चेक करो वॉइस चेक करो चलिए बहुत ध्यान से देखो मार्क प्राइस कितनी है बेटे मार्क प्राइस कितनी है मार्क प्राइस कितनी है क्वेश्चन मार्क प्राइस कितनी है मार्क प्राइस बेटे पच्चीस हजार रुपए कितना है पच्चीस हजार रुपए अच्छा उसे आपने बेचा कितना है सेलिंग प्राइस कितना है सेलिंग प्राइस कितना बेटे अठारह हजार रुपए सर एक सेकेंड ठीक तो है तो पच्चीस हजार रुपए की चीज अठारह रुपए में बेच रहे हैं यानी आप डिस्काउंट दे रहे हैं कितने का डिस्काउंट दे रहे देखो

बेटे आपका क्या है डिस्काउंट है。है? है. है कितने का डिस्काउंट है 28 परसेंट का डिस्काउंट है 28 परसेंट का डिस्काउंट है कितने का डिस्काउंट है 28 प्रतिशत का डिस्काउंट है कितने का डिस्काउंट 28 परसेंट का डिस्काउंट है क्लियर हो गया सारे स्टूडेंट बताए सर क्लियर जल्दी से बताओ ये सर क्लियर हाँ सर हा? चाहिए कैसे हो गया तो दिक्कत नहीं होगी ऑटो तो नहीं है तो लादे निकाल के चलो छो, छोड़ो छोड़ो चलिए रुक जाइए रुक जाइए चले गाइस हो गया अरे कुछ नहीं वो मैं ना कंफर्म कर रहा हूँ हाँ, क्या होता है कि हम ना चीजों को जब कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ टेक्निकल शूज कभी कदार आ जाते यार अब इसमें से एक और हुआ ये आ गया ठीक है आप लोगों के सामने चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ट्राई कीजिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कैसे करोगे अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कैसे करोगे? बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे इस क्वेश्चन को देखकर मैं कह रहा हूं बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे इस क्वेश्चन को देखकर है कि नहीं है बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देख के कहेंगे कि सर ये क्या है ये सारी संख्याएं एक जैसी दिख रही हैं टाइमर आपका स्टार्ट किया ये सारी संख्याएं एक जैसी दिख रही है हमसे क्या इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या कौन सी है ठीक है इसमें से सबसे बड़ी संख्या बेटे कौन सी जल्दी से करिए साउंड ठीक कीजिए बेटे साउंड ठीक हो रहा है मैंने टेक्निकल टीम कॉल कर दिया ना आप लोग सामने ठीक है चलिए देखो पहली संख्या क्या है पहली संख्या आपको दी गई है जीरो पॉइंट सेवन मैंने कहा अच्छा अच्छा दूसरी संख्या क्या दी गई जीरो पॉइंट सेवन के ऊपर बार सुनते रहना तीसरी संख्या क्या दी गई है 0.07 के ऊपर बार चौथी संख्या क्या दी गई है चौथी संख्या दी जीरो पॉइंट जीरो सेवन और इस पूरे के ऊपर बार अब आप देखोगे तो भैया देखो कैसे करते हैं आपको इसमें सबसे इसको तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे जीरो पॉइंट सेवन 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 एंड सेवन इस तरीके से बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे इसको एक्सपेंड करो तो जीरो पॉइंट जीरो सेवन 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 इस तरीके से लिखोगे इसको सॉल्व करके कैसे लिखोगे जीरो पॉइंट जीरो सेवन जीरो सेवन जीरो सेवन इस तरीके से लिखोगे अब आपको यह पता करना इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जब भी हम सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं तो डेसिमल के बाद पहला प्लेस देखो डेसिमल के बाद पहला प्लेस इस इसमें सात है इसमें सात है इसमें जीरो है और इसमें जीरो डेसिमल के बाद पहला प्लेस यहां पर सात है यहां पर सात है यहां पर जीरो है यहां पर जीरो है तो ये दोनों संख्याएं तो रेस से पहले ही बाहर हो गई क्यों क्योंकि इनका डेसिमल का बाद अगला प्लेस जैसे पर डेसिमल के बाद अगला प्लेस सेवन है।, है तो यहाँ पर जीरो है यहाँ पर जीरो पर बात करते अब देखो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है अच्छा इसके बाद जैसे जीरो पॉइंट सेवन है तो इसके आगे क्या आएगा जीरो आएगा ना और यहाँ पर क्या है सेकेंड प्लेस पे सेवन तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है कहोगे सर बड़ी संख्या जीरो पॉइंट सेवन के ऊपर बार ये क्या है सबसे बड़ी संख्या है कौन सा ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन आएगा कौन सा ऑप्शन आएगा? आएगा बी ऑप्शन आएगा आएगा बी ऑप्शन बोलो क्लियर क्लियर बच्चों कई बार क्या होता है यार थोड़ा सा तो, आ, हम भी कर रहे होते हैं कई बार वाइस का थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन हो रहा है बट मेरी टीम लगी हुई है और डेफिनेटली बच्चे हम जल्दी से इसको सही कर लेंगे ठीक है जल्दी से हम इसको सही कर लेंगे ठीक है आप लोग परेशान मत हो चलो क्लियर हो गया अगला क्वेश्चन बेटे करो अगला क्वेश्चन करो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा टाइमर आपका स्टार्ट टाइमर बेटे आपका स्टार्ट करिए ठीक है सारे बच्चे बताएं टाइमर आपका स्टार्ट जल्दी करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी करिए एक चॉकलेट बॉक्स का मूल्य चलिए चल वाइस कुछ कुछ ठीक हो गई है वाइस कुछ कुछ ठीक हो, हो गई है बेटे वाइस कुछ कुछ ठीक हो गई है क्वेश्चन कह रहा है एक चॉकलेट बार का मूल्य अस्सी रुपए एक चॉकलेट बार का मूल्य अस्सी रुपए वह चॉकलेट के छह बार वाले एक बॉक्स का मूल्य चार सौ रुपए तो बॉक्स पर कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही बताओ चॉकलेट के एक बार का मूल्य चॉकलेट अगर एक चॉकलेट खरीदोगे तो एक चॉकलेट बेटे अस्सी रुपए की मिलती है लेकिन वही छह चॉकलेट का जो पैक है बेटे वो कितने का मिलता है का मिलता है आज अमिताभ बच्चन की आवाज आ रही है आवाज में बेस होना चाहिए <laughs> देखो मान लो बच्चे एक चॉकलेट अगर आप खरीदते हैं एक चॉकलेट खरीदते तो अस्सी रुपए की मिलेगी अगर वही अगर एक चॉकलेट खरीदते तो एक चॉकलेट अस्सी रुपए के तो छ चॉकलेट कितनी होंगी चॉकलेट का मूल्य हो जाएगा कितने अस्सी छा अड़तालीस अस्सी रुपए अड़तालीस यानी चार सौ अस्सी रुपए अब मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूँ सेलिंग प्राइस कितना होगा सेलिंग प्राइस कितना होगा बेटे चार सौ रुपए सेलिंग प्राइस कितना होगा चार सौ रुपए भाई चार सौ अस्सी रुपए की चीज है देखो अगर एक चॉकलेट रुपए की है तो छह चॉकलेट खरीदोगे तो कितने का 480 की मिलनी चाहिए लेकिन मिली कितने की है छह देखो एक चॉकलेट रुपए की तो छह चॉकलेट 480 की मिलनी चाहिए लेकिन वही छह चॉकलेट का जो पैक है वो आपको 400 का मिल जाता है यानी आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है कितने का कितने का डिस्काउंट है बताओ गुरुजी ₹80 का डिस्काउंट है कितने पे 400 पे 480 पे 480 पर तो बताओ सौ पर कितना होगा होगा पर कितना कम सोलह सही दो बटे, बटे तीन मतलब प्रतिशत यानी सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट बोलो क्लियर की नहीं क्लियर सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट थोड़ा सा इसका इशू आया है मैंने अपनी टीम को कॉल किया है अभी थोड़ी देर में सही हो जाएगा आप लोग पढ़ते रहिए बस के बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी था। था। चलो बहुत बढ़िया मुझे मत... लिटरली यार मजा आ रहा है आवाज सुन यार आप लोग कह रहे हो खराब लग रही है ऐसा लग रहा है है वॉइस में इतना वेस आ गया है किसी को भी डरा दो यार क्वेश्चन कह रहा फाइंड द यूनिट डिजिट अरे find the unit digit find the unit digit find the unit digit <laughs> चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है यूनिट डिजिट निकालना जल्दी से अगर भैया यूनिट डिजिट निकालना है तो भैया केवल यूनिट डिजिट पर ही तो फोकस करोगे अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करो देखो आप पूरी मल्टीप्लाई नहीं करते देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो पहले अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं यूनिट डिजिट कितना आएगा चार, चार आएगा? देखो, इन का मल्टीप्लाई क्या चार एक चार मल्टीप्लाई करने पर चार एक चार, चार का मल्टीप्लाई जब आप नौ से करेंगे तो नौ छत्तीस छत्तीस आपका यूनिट डिजिट आएगा छह बेटे आपका यूनिट डिजिट आएगा बोलो क्लियर की नहीं क्लियर आपको यूनिट डिजिट निकालना केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करते हैं केवल ठीक है ठीक है केवल लास्ट वाला क्वेश्चन अलग अलग कराएंगे अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीडी वालों एसएससी जीडी वालों मैं लिख के दे रहा हूँ क्वेश्चन आएगा हंड्रेड परसेंट एक क्वेश्चन आएगा हंड्रेड परसेंट करिए यार अभी तक मैंने नहीं बोला था लेकिन आप लोग लाइक और शेयर तो करते ही नहीं हो यार मतलब

हमसे कह रहा गुरुजी बताओ तीसरी संख्या क्या है देखो इस क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है ठीक है बहुत ध्यान से देखो बहुत ध्यान से देखो हमसे कह रहा थर्ड नंबर कितना है कैसे निकालेंगे थर्ड नंबर कितना है भाई पांच संख्याओं का औसत कितना है 23 है सभी पांच संख्याओं का औसत कितना है 23 है तो तीसरी संख्या को बेटे 23 होना चाहिए मैंने क्या बोला सभी पांच संख्याओं का औसत 23 है अगर सभी पांच संख्याओं का औसत तेईस है तो तीसरी संख्या को बेटे तेईस होना चाहिए लेकिन अब देखो पहली दो संख्याओं कितना है पहली दो संख्याओं का इक्कीस है यानी एवरेज कितना कम है तो सर दो कम है कितनी संख्याओं पे दो संख्याओं पे पहली दो संख्याओं का इक्कीस है यानी एवरेज कितना कम है दो कम है कितनी संख्याओं पे दो संख्याओं पे तो दो दूरी चार की कमी हो गई दो दुनी चार की कमी हो गई तो बैलेंस करने के लिए देखो दो दिखो, पहली दो संख्याओं पे दो की कमी तो दो दुनी चार की कमी होगी तो बैलेंस करने के लिए बेटे चार ऐड कर दो अंतिम दो संख्याओं कितना है उन्नीस है अंतिम दो का कितना है उन्नीस है कितना कम है कहोगे सर चार कम है अंतिम दो का कितना है उन्नीस है यानी एवरेज से कितना कम है कहोगे अंतिम दो का उन्नीस है यानी एवरेज से कितना कम है चार कम है कितनी संख्याओं पे दो संख्याओं पे यानी दो संख्याओं पे चार की कमी चार तो आठ की कमी हो गई तो बैलेंस करने के लिए आठ और ऐड कर दो आठ चार बारह तीन पंद्रह कैरी वन हो गया पैंतीस 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 करेक्ट आंसर पैंतीस क्या है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पैंतीस क्या है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर जल्दी से बताओ यस सर क्लियर जल्दी से बताओ यस सर क्लियर

वजनदार आवाज हो गई है जल्दी 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 चले 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 आवाज में वजन होना चाहिए चले चले चले, सारे बच्चे बताएं सर क्लियर सारे स्टूडेंट बताएं यस सर क्लियर कोई डाउट नहीं है ठीक है अमिताभ बच्चे वाली आवाज हो गई फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रशन सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए देखो जब भी कभी यह क्वेश्चन आपके सामने आए जब भी कभी ये आपके सामने आएगा, आपको क्या करना? ग्रेटेस्ट निकालना है। सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है सबसे पहली चीज बच्चे आपको यह देखनी है इनके बीच का डिफरेंस कितने का चौदह और सत्रह डिफरेंस कितने का तीन का है चौदह और सत्रह डिफरेंस कितने का तीन का है इकतालीस और चवालीस डिफरेंस कितने का है तीन का है ठीक है छत्तीस तेईस और छब्बीस डिफरेंस कितने का तीन का है ठीक है बावन और पचपन का तीन का, difference कैसा? सेम है डिफरेंस बेटे सेम है डिफरेंस सेम है डिफरेंस सेम है डिफरेंस सेम है, है, है? है. आपसे पूछा क्या गया है आपसे पूछा यह गया है कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या है ठीक है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू क्या है ठीक है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू जब भी बेटे डिफरेंस सेम होगा याद रखना जब भी डिफरेंस सेम होगा तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न होगी याद रखना जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी है जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी है. तो है? तो है सबसे बड़ा ठीक है, है? तो है? है. चलिए आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन आंसर क्या बच्चे डी ऑप्शन बोलो क्लियर की क्लियर जल्दी से मुझे बताओ क्लियर सारे स्टूडेंट एक बार जल्दी से लाइक और शेयर करें मुझे बताए क्लियर जल्दी से एक बार लाइक और शेयर करो मुझे बताओ ये सर क्लियर कोई डाउट नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर डिफरेंस अगर सेम है अगर डिफरेंस सेम है आपने क्वेश्चन का आंसर कर लिया केस डिफरेंस सेम ना हो तो कैसे करेंगे जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने का। अब क्या करोगे कूदो फांदो थोड़ा सा देखें थोड़ा सा एनर्जी लगाओ कूदो फांदो चले 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 फास्ट या आप लोग लाइक और शेयर करते हुए चलो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे देखो जैसे यहाँ पर अगर बच्चे हम देखें ध्यान से इकतीस और सैतीस कितने का इकतीस सैतीस डिफरेंस कितने का है, है? छह का है देखो डिफरेंस कितने का छह का है यहाँ पे देखो अट्ठाईस और छत्तीस डिफरेंस कितना सोलह में से आ गया कितना आठ का है ठीक है फोर्टी थ्री से फिफ्टी फाइव पर डिफरेंस कितने का है कहोगे सर बारह का है यहां पर डिफरेंस कितने का का है यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, चार का है。बोलो है कि नहीं क्यों सर बिल्कुल करेक्ट करो बिल्कुल अब क्या करें एक जगह नहीं सब जगह डिफरेंस अलग अलग है अब क्या करें तो ट्रिक बेटे मेरी क्या कहती मेरी ट्रिक ये कहती है कि जो भी अंश है जैसे अंश इकतीस को डिफरेंस से डिवाइड करो इकतीस बटी छे बटे आठ अट्ठाइस बटे आठ तैतालीस बटे बारह इकसठ बटे चार जो भी अंश होता है इसको डिफरेंस से आपको डिवाइड करना है यहां पर कितना छ आठ बारह और चार छ आठ बारह और चार एल्शियम कितना आएगा छ आठ बारह और चार का एल्शियम कितना आएगा चौबीस सब जगह 24 का मल्टीप्लाई कर दो सब जगह 24 का मल्टीप्लाई कर दो सब जगह 24 का मल्टीप्लाई कर दो ठीक है मल्टीप्लाई करो चौको चौबीस और चार एक चार चार बारह एक सौ आठ त्री चौबीस तीन अठे चौबीस यानी चार कैरी दो का तीन दुनी। छे और दो छो किता आट, 84 इसको कैंसिल करो कितनी बार गया दो बार तो ये हो गया एट्टी सिक्स इसको कैंसिल करो कितनी बार छह बार तो छत्तीस थ्री सिक्स अब देखो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही 366. 366, सबसे बड़ी दिख रही अरे सबसे बड़ी संख्या थ्री सिक्स नहीं है सबसे बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू इकसठ बटे पैंसठ इकसठ बटे पैंसठ क्या है सबसे बड़ी भिन्न है इकसठ बटे पैंसठ क्या है सबसे बड़ी भिन्न है इकसठ बटे पैंसठ क्या है बटे सबसे बड़ी भिन्न बोलो क्लियर नहीं क्लियर इकसठ बटे पैंसठ क्या बेटे सबसे बड़ी है आपकी बोलो क्लियर नहीं क्लियर सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक और शेयर करें और मुझे बताएं ये सर क्लियर जल्दी से बताइए कोई डाउट नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन लास्ट ईयर जीडी में आया था लास्ट ईयर लास्ट ईयर जी में ये क्वेश्चन था एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन था अगर यहां पर 800 और 840 कर दें तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी में भी था केवल डेटा चेंज है केवल डेटा चेंज है सेम क्वेश्चन आपका जीडी में भी था सेम क्वेश्चन आपका रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में भी था क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर तीन वर्ष में रुपए चौबीस और चार वर्ष में पच्चीस हो जाता है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर तीन वर्ष में रुपए चौबीस सौ और चार वर्ष में पच्चीस ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कैसे करोगे भाई तीन साल में कितना हो रहा है गुरु जी तीन साल में कितना हो रहा है सर क्योंकि तीन साल में हो रहा है चौबीस सौ रुपए तीन साल में पैसा कितना हो रहा है क्योंकि सर तीन साल में पैसा हो रहा है चौबीस सौ रुपए अच्छा चार साल में ये पैसा कितना हो है चार साल में ये पैसा कितना हो रहा है

एक साल में 2520 रुपए में कन्वर्ट हो रहा है यानी कितना ब्याज है 120 रुपए ब्याज है देखो 2400 रुपए एक साल में 2520 रुपए में कन्वर्ट हो रहे हैं कितना ब्याज है कितना ब्याज है 120 रुपए ब्याज कितने पे 2400 पे 24 100 पे तो बताओ 100 पर कितना होगा ये दिनों जो जीरो इससे 245 120 245 120 यानी 5% प्रतिशत. कितना 5 प्रतिशत बेटे रेट ऑफ इंटरेस्ट पांच प्रतिशत बच्चे ब्याज की दर है बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर जल्दी से एक बार कमेंट करो यस सर क्लियर जल्दी से एक बार कमेंट करो यस सर क्लियर जानते हो आप लोग खुद ही कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्वेश्चन में जरा सा ट्विस्ट होता आप लोग भाग लेते हो चलिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट अभी जीडी में भी बात हो और एमटीएस का भी क्वेश्चन है जीडी और एमटीएस दोनों में लगातार बनाए क्या है चौवालीसो इंटू नाइनटी सिक्स के गुणनखंडों खंडो की कुल संख्या गजिए कीजिए खंडो की कुल संख्या ज्ञात कीजिए बताइए गुणनखंडों खंडो की कुल संख्या सबसे पहले चीज देखो हम किसको क्या लिख सकते जैसे फोर्टी फोर हंड्रेड इंटू नाइनटी सिक्स आपको दिया गया है हम इनको क्या लिख सकते हैं पहले ये बताओ हमें इन दोनों को क्या लिखना है 4400 44 के फैक्टर करो या तो आप मन में कर लो ये कितना जाएगा 22 दो से कैंसिल करो 11 और 11 से कैंसिल कर दो बेटे कितना आएगा एक आएगा यानी आप इसको क्या लिखोगे ठीक है 44 into 96 बच्चे आपको दिया गया है 44 को आप लिख सकते हैं दो की पावर 2 11 की पावर 1 इस तरीके से देखो 44 को क्या लिखोगे 44 को आप लिखोगे दो की पावर दो ग्यारह की पावर एक अब देखो 96 को बेटे आप क्या लिखोगे भाई दो से कैंसिल कर दो कितना है दो चौको आठ दो अट्ठे सोलह दो से कैंसिल कर दो कितना चौबीस दो, दो से कैंसिल कर दो कितना आएगा बारह दो से कैंसिल कर दो छ दो से कैंसिल कर दो तीन और तीन से कैंसिल कर दो एक एक दो तीन चार और पांच तो 96 को बेटे आप क्या लिखोगे 96 को आप लिखोगे दो की पावर पांच गुणे तीन की पावर एक अब देखो दो की कितनी पावर है दो की पांच और दो सात पावर है तीन की पावर है, है। कितनी पावर है एक पावर है ग्यारह कितनी पावर है एक पावर है अब देखो पूरी क्वेश्चन को आपने प्राइम नंबर में ब्रेक कर लिया ब्रेक कर लिया सर बिल्कुल ब्रेक कर लिया अब आपसे पूछा क्या गया है पूछा यह गया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने है? कैसे निकलोगे दो की पावर सात है ना तो हम इसको सात प्लस एक तीन की पावर एक है तो एक प्लस एक ग्यारह की पावर एक है तो एक प्लस एक ये हो जाएगा आठ गुणे दो गुणे दो आठ दुनी सोलह गुणे दो कितना बत्तीस बत्तीस बेटे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है ठीक है 32 बेटे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं कितने फैक्टर्स हैं 32 हैं 72 कहां से आ रहे हैं यार अच्छा अक्कड़ बक्कड़ करके आंसर दे रहे हो तभी 72 आए होंगे बोलो आधे जाओ तो इसमें अक्कड़ बक्कड़ करके आंसर दे रहे होंगे हाँ हाँ नलायक को सुधर जाओ ऐसे कर रहे होंगे अक्कड़ बक्कड़ वो ऐसे करते हो ना हाँ या फिर पेपर में वो करते हो आंख बंद करके ऐसे करते होगे जिस पे उंगली रुकेगी हम उसी को टिक कर देंगे हाँ ये भी कुछ करते हैं पेपर में स्क्रीन पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर खेल रहे होते हैं ये सही और ऐसे रुक गया होगा ऐसा ही। ऐसा तो नहीं कर रहे हो आजकल ये आजकल तुम लोग नया खेल खेल दो चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने टाइमर आपका स्टार्ट करिए 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 आग बंद करके खेल लोगे। अब देखना इसमें भी कुछ आंसर करेंगे आग बंद करके ये आंसर है। हम्म क्वेश्चन क्या कह रहा है बारह संख्याओं का औसत तेईस है एनटीपीसी सीबीटी टू में भी आया है और जीडी में भी आया है एनटीपीसी सीबीटी टू आता सेम क्वेश्चन आया था अब कह दो सर सीबीटी टू लेवल का नहीं है लेकिन फिर भी पूछा गया था बेटे क्वेश्चन कह रहा है कि बारह संख्याओं का औसत बयालीस है यदि तेरहवीं संख्या जोड़ी जाती है तो औसत चवालीस हो जाता है तो बताओ तेरवी संख्या कितनी है तेरहवीं संख्या कितनी है ठीक है ठीक है देखो बताओ बारह संख्याएं कितनी संख्याएं बारह संख्याएं और बारह संख्याओं का औसत कितना है बारह संख्याओं का जो एवरेज है कितना है बारह संख्याओं का एवरेज कितना बयालीस है मैंने कहा अच्छा जैसे ही मैंने तेरहवीं संख्या को ऐड किया तो बारह प्लस एक हो गया बारह प्लस एक हो गया तो बारह पुरानी संख्या और एक नई संख्या।, संख्या, संख्या को चवालीस तो आपसे पूछा बताओ तेरहवीं संख्या कितनी है तेरहवीं संख्या कितनी है? अब देखो इस क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या है ट्रिक क्या है हमसे करा थर्टींथ नंबर क्या तेरहवीं संख्या कौन कितनी है देखो तेरी संख्या यही तो लिखी है भाई बारह संख्याओं का औसत बयालीस है जैसे मैंने तेरवी संख्या ऐड किया तो बारह प्लस एक बारह पुरानी और ये हो गई तेरहवीं संख्या ये हो गई तेरहवीं संख्या और तेरहवीं संख्या यहाँ पर कितने दिख रही क्योंकि सर तेरहवीं संख्या यहाँ पर दिख रही चवालीस तेरहवीं संख्या यहाँ पर दिख रही कितना चवालीस तेरहवीं संख्या कितनी चवालिस है तेरहवीं संख्या कितनी यहाँ पे चवालीस है तेरहवीं संख्या इतनी क्योंकि सर चवालिस है हो गया अब देखो इसके आने से हुआ क्या इसके आने से हुआ क्या औसत में दो की वृद्धि हो गई देखो इसके आने से क्या हुआ औसत में दो की वृद्धि हो गई कितने की वृद्धि है की वृद्धि है। कितनी संख्याओं पे बारह संख्याओं पे बारह संख्याओं पे दो की वृद्धि बारह संख्याओं पे दो की वृद्धि हो गई यानी बारह दुनिया चौबीस की वृद्धि हो गई ठीक है तो ये हो गया चार चार आठ और ये कितना है? चार और दो 68. इसका मतलब आपकी जो तेरहवीं संख्या बेटे वो और शेयर ही नहीं कर रहे यार देर से. थोड़ा सा से बड़ा करो यार तेईस सौ प्लस विद्यार्थी यहाँ पर लाइव है तेईस सौ लोग अगर को शेयर करें तो सेशन कितना बड़ा हो जाए हुँ? जल्दी से एक बार लाइक और शेयर करो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट करो आप सब लोग जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर आपने प्रैक्टिस लगाए होंगे और भी कई बुक्स आपने लगाई होंगी तो ये क्वेश्चन वहां पर मिला होगा आपको तो सर सब कुछ किया लेकिन बुक नहीं लगाई प्रैक्टिस नहीं लगा सर बाकी कुछ भी कह लो चलिए करिए कैसे करोगे तीन सौ अस्सी प्लस प्लस इफनाइट तक क्या है क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से फास्ट देखो जब भी कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आए आप कैसे करेंगे 380 के दो ऐसे फैक्टर करो 380 के दो ऐसे फैक्टर करो कि प्लस कर, जिनके बीच का डिफरेंस एक हो क्या मैंने बोला 380 के दो ऐसे फैक्टर करो जिनके बीच का अंतर एक हो तो 19 और 20 19 और 20. उन्नीस और बीस दो संख्याएं है जिनके बीच का अंतर ठीक है उन्नीस गुणे बीस तीन सौ अस्सी जिनके बीच का अंतर कितना होगा एक होगा अंतर कितना होगा एक होगा बोलो क्लियर की नहीं क्लियर अंतर कितना होगा एक होगा बोलो क्लियर नहीं क्लियर कहोगे सर है अब देखो बीच में साइन किसका है प्लस का है बीच में साइन किसका है प्लस का है अगर प्लस का है तो बड़ी संख्या आपका आंसर होगी आंसर कितना आएगा बीस अगर साइन बीच में माइनस का होता तो छोटी संख्या आंसर होती यानी उन्नीस क्लियर हो गया क्लियर हो गया वेरी गुड वेरी गुड नेक्स्ट अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट करो यहां पर दो चीजें पूछता है इस क्वेश्चन में जैसे उसने क्या कहा दो वर्ष के लिए एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज चौबीस सौ बीस रुपए और सॉरी चौदह सौ बीस रुपए और चार सौ रुपए ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जल्दी करिए फर्स्ट ये क्वेश्चन कम से कम बीस बार जी में आया है कभी रेट पूछेगा कभी प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा कभी मूलधन पूछेगा कम से कम 20 बार डीडी में आया है और कहो तो कई बार मान लो आज एग्जाम में पूछा गया तो सेम क्वेश्चन को कल फिर पूछ दिया जाए ऐसे भी पूछा गया बेटे ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा गया जैसे आज पूछ लिया गया तो हो सकता है कि आज की शाम की शिफ्ट में पूछ लिया जाए हो सकता है कल की शिफ्ट में भी पूछ लिया जाए चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कैसे करोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दो साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है बताइए दो साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है दो साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रुपए और दो साल का दो साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है दो साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपए चार सौ रुपए चार बोलो दो साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चार सौ बीस रुपए है और दो साल का सिंपल इंटरेस्ट चार सौ रुपए है हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है अच्छा आप मुझे बताओ दो साल का फिगर किस तरीके से बनाते हो दो साल का फिगर किस तरीके से बनाते हो देखो मैंने आपको बताया ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है प्रिंसिपल से पहले साल आपको ब्याज प्राप्त होता है प्रिंसिपल से दूसरे साल बच्चे आपको ब्याज प्राप्त होता है जब दूसरे साल जाते हो तो पहले साल के ब्याज पर ब्याज प्राप्त होता है बोलो भाई देखो मैंने क्या कहा ये प्रिंसिपल जैसे प्रिंसिपल वैल्यू है प्रिंसिपल वैल्यू पे पहले साल ब्याज मिलेगा दूसरे साल ब्याज मिलेगा जब दूसरे साल जाओगे तो पहले साल के ब्याज पर ब्याज मिलता है बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर थि? यही तो सिखाया सर बिल्कुल अच्छा दो साल का साधारण ब्याज चार सौ रुपए पहले साल दो सौ रुपए होगा और दूसरे साल भी दो सौ रुपए क्यों साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है तभी तो दो सौ प्लस दो सौ चार सौ होगा और आपको पता अगर मैं इन तीनों को एड करता हूं तो दो साल का क्या मिलता है चक्रदी ब्याज कितना मिलता है चार सौ बीस रुपए तो 200 प्लस 200 400 हो गया बीस रुपए बेटे यहां पर और आ गया बीस रुपए यहां पर और आ गया क्लियर है बीस रुपए ब्याज है, है तो रेट कितना होगा बताओ दो रुपए पे बीस रुपए ब्याज है तो बताओ रेट कितना होगा रेट कितना होगा ये से कैंसिल कर दो दस बार ये इससे कैंसिल कर दो दस बार दस परसेंट दस परसेंट दस परसेंट रेट है दस परसेंट रेट है और यही आपके क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन है चलो अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक तो ये क्वेश्चन पूछ लिया ये यहां पर लिखा था लेकिन दोस्तों मैं आपसे क्या कहता हूं पचास परसेंट में रेट पूछता पचास में मूलधन भी पूछता है मूलधन कैसे निकालोगे देखो दस परसेंट मतलब होता है एक बटे दस इसका मतलब यहाँ पर एक बटे दस किया है भाई दो सौ का एक बटे दस करो तभी तो बीस आएगा इसका मतलब आपने तभी तो देखो तो, तो तो रेट तो हर जगह बराबर होगी ना तो प्रिंसिपल का एक बटे दस करने पर प्रिंसिपल का एक बटे दस करने पर दो सौ रुपए यानी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई वैल्यू हो गई दो हजार रुपए प्रिंसिपल वैल्यू हो गई बेटे दो हजार रुपए प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई दो हजार रुपए क्लियर हो गया कोई डाउट कोई डाउट बोलो भाई क्लियर हो गया सारे बच्चे बताएं सर क्लियर सारे बच्चे एक बार बताएं सर क्लियर कोई भी डाउट हो किसी भी स्टेप पर चलिए सियाई मैराथन रख ले वेरी oh, इंपॉर्टेंट मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है हम्म कई बार होता है ना कि आ, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने तो उसके साथ वो हरी चटनी और वो कहते हैं ना रेड वाले प्याज को क्या कहते हैं जो ऑनियन में होते हैं रेड वाले होते हैं हाँ वो कॉम्प्लीमेंट्री टाइप के होते हैं तो ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री टाइप का क्वेश्चन हो जाता है कई बार ये कहीं पर भी नहीं होता लेकिन कूद के आ जाता है ये कहीं पर भी नहीं होता है, लेकिन कूद के आ जाता है ये कहीं पर भी नहीं होता लेकिन कूद के आ जाता है चलिए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप आप इस क्वेश्चन क्वेश्चन को जब भी कभी ये आपके सामने कैसे करेंगे ठीक है टाइम एंड डिस्टेंस पर मैराथन लेंगे देखो देखो सबसे पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करें इन दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा नाइनटी नाइन इंटू फोर्टी नाइन ठीक है इसके बाद क्या करते हैं ये फोर्टी टू उठाकर इसे ऐड कर दो फिर फोर्टी टू उठाकर एड करे इस नाइनटी नाइन को बेटे आप लिखेंगे हंड्रेड माइनस का वन और इंटू कर दो फोर्टी नाइन और प्लस कर दो बेटे फोर्टी टू तो अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो येगा ये फोर्टी नाइन माइनस का फोर्टी और प्लस का फोर्टी माइनस का फोर्टी प्लस का फोर्टी टू माइनस का सेवन होगा घटा दो दस में से सात या कितना तीन यहाँ कितना नौ यहां पर हो जाएगा आठ यहां पर चार ठीक है फोर एट नाइन फोर एट 4893 एट क्या है करेक्ट आंसर है 4893 क्या बेटे करेक्ट आंसर बोलो जल्दी से सर क्लियर, सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करें यस सर क्लियर सर इसको ट्रिक से बता दो ट्रिक बहुत आसान है इसकी देखो जो कुछ डिनोमिनेटर में लिखा इसको एजेटिस लिख दो इस 49 को उठाओ एजेटिस लिख दो आगे देखो 99 कितनी बार है 99 कितनी बार है नाइनटी नाइन दो बार है आगे दो जीरो लगा दो लगा दिया इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का फोर्टी टू फोर्टी नाइन फोर्टी टू और फोर्टी नाइन के बीच का डिफरेंस कितने का सात का है दस में से सात गया कितना तीन यहाँ कितना हो जाएगा नौ यहाँ पर हो जाएगा आठ यहाँ पर चार फोर एट नाइन थ्री फोर एट नाइन क्या करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई कीजिए एज का एक क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट रहेगा याद रखिएगा रहे एज प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में रहेगा एज का एज का एक क्वेश्चन मतलब एज प्रॉब्लम पे एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा रहेगा आपके हमेशा बेटे इसमें तो सोचना ही नहीं है चलिए और याद रखो कोशिश किया करो कि करेक्ट सात बजे जुड़ो करेक्ट सात बजे जुड़ो आप लोग देखो देखो, जब भी कभी यह क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप क्या बनाएंगे पीपीएफ बनाएंगे पीपीएफ बनाएंगे ठीक है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर चार साल पहले चार साल पहले A और B, A और B की आयु का अनुपात चार अनुपाते पांच है चार साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात चार अनुपात पांच है अच्छा आठ साल के बाद क्या है आठ साल के बाद ए और बी की आयु का अनुपात ग्यारह अनुपात तेरा है ये आपको दिया गया अब देखो तो वर्तमान में इनकी आयु का योगफल ज्ञात कीजिए अब ये क्वेश्चन आएगा आप लोग गलत करोगे कर लोगे जल्दी से आप कर लोगे गलत मत करना मैं फिर कह रहा हूं देखो माइनस चार से प्लस आठ पर आ रहे हो माइनस चार से प्लस आठ पर आ रहे हो यानी बारह साल आगे आ रहे हो देखो माइनस चार से प्लस आठ पर आ रहे हो यानी बारह साल आप आगे आ रहे हो बोलो है है कि नहीं बारह साल आप आगे आ रहे हो बारह साल आगे आ रहे हो अच्छा आज आप लोग लिए सरप्राइज भी है एक बहुत अच्छे प्रश्न से आपको मिलवाना भी है मुझे वो कौन है मैं आपको बता देता हूं ठीक है वो कौन है मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा ठीक है चलिए देखो यहाँ पर देखो अगर देखिए माइनस चार से प्लस आठ पर आ रहे हैं यानी बारह साल का बच्चे इंक्रीज है बारह साल का इंक्रीज है जरा ध्यान से देखते हुए चलिएगा यहाँ पर डिफरेंस कितने का है सर लाइव आ जाए, बच्चे देख रहे हैं आपको अच्छा ये देखिए आसतो सर, आस तो सर आपके कैमरा डर सा हो रहा है सर क्या के, कैमरे का इशू हो रहा है आप आपका अच्छा तो दोस्तों आस्तोस सर की आपको आवाज आ रही है आस्तोस सर पहुंच गए घर के बाहर ही आप स्टूडियो आ गए नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल सर आवाज सुनना है। आपकी आवाज सुन रहे आपके बच्चे हैं यार और आपकी बात हमारे ऐसा हो ही सकता अच्छा मतलब आशुतोष सर ने अपना रथ तैयार कर लिया है और उस रथ पर बैठ कर ये दो से तीन मिनट में अड्डा ऑफिस पहुंच के और बिल्कुल स्टूडियो स्टूडियो तैयार करके लाइव आ रहे हैं तो इन्होंने तो युद्ध की तैयारी कर रखी है अपनी प्रत्यंचा टाइट कर ली एकदम तो आप लोग भी रेडी हो जाइए <laughs> <laughs> तो बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल सर आज, आज आज तो सर एक मैराथन क्लास ले रहे हैं जीएस की आज, आज आज तो सर एक मैराथन क्लास ले रहे हैं जीएस पे जीएस कह रहे हैं करंट अफेयर की जिसमें वो पिछले एक महीने के साढ़े दो सारे के सारे डेढ़ सौ दो सौ करंट अफेयर दो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको डिस्कस कर देंगे ठीक है तो सारे के सारे करंट अफेयर की पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो भी करंट अफेयर की पीडीएफ आपको चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका लिंक लगवा दिया उस लिंक पर क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा आपको करंट अफेयर की पीडीएफ भी मिल जाएगी ठीक है आठ का अंतर है ठीक है आठ पांच तेरह आठ का अंतर है यहाँ पर सात का अंतर है, है।, है। यहाँ पर आठ का, का अंतर है बोलो है कि नहीं कहोगे सर बिल्कुल है अगर है तो बच्चे ध्यान से देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का एक का अंतर है यहां पर डिफरेंस कितने है होगा सर दो का अंतर है हमें ये डिफरेंस बैलेंस करना है तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर दो से और नीचे एक से मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई करोगे तो यह चार आठ और ये यह पांच दस दस हो गया ये ए है ये बी है ये कितना हो जाएगा ग्यारह और ये कितना हो गया तेरह ठीक है कितने का यहां पर तीन का इंक्रीज है यहां पर कितने का इंक्रीज है तीन का इंक्रीज है देखो साइड बेटे तीन यूनिट का इंक्रीज है कितने का इंक्रीज है बारह साल का इंक्रीज है तो तीन यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटे बारह साल तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटे चार साल एक यूनिट की वैल्यू चार साल है अब सुनो ध्यान से एक यूनिट की वैल्यू चार साल है तो आठ यूनिट की वैल्यू हो गई आठ चौक बत्तीस साल और यहां पर दस यूनिट की वैल्यू हो गई दस चौक चालीस साल बोलो क्लियर नहीं क्लियर इतना समझ में आ गया इतना समझ में आ गया अब मैं सम की बात करता हूं कैसे निकालोगे देखो अगर एक ही आयु कितना चार साल पहले देखो एक चार साल पहले बत्तीस साल है ये एक आयु बत्तीस साल कब है चार साल पहले तो वर्तमान में कितने कि छत्तीस साल होगी बी की आयु बी की आयु चालीस साल है कब चार साल पहले बी की आयु चालीस साल है कब चार साल पहले वर्तमान में कितने होगी चवालीस साल होगी ठीक है ऐड कर दो छह चार दस और चार और तीन सात और एक आठ इयर्स वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना होगा अस्सी वर्ष होगा वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना होगा अस्सी वर्ष होगा वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना होगा अस्सी वर्ष होगा बोलो क्लियर किन क्लियर अस्सी वर्ष क्लियर हो गया जल्दी से एक बार कमेंट करो यस सर क्लियर जल्दी से कमेंट करो यस सर क्लियर जल्दी से कमेंट करो यस सर क्लियर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये कल का होमवर्क क्वेश्चन था चलिए बताइए क्वेश्चन कह रहा जब किसी संख्या को तीन चार और सात से विभाजित किया जाता तो क्रमशः दो तीन और पांच से फल प्राप्त होता है उस संख्या को चौरासी से भाग करें तो से क्या आएगा कह रहा है भाई एक संख्या है जब एक संख्या है जिसको हम तीन चार और सात से विभाजित करते हैं तो क्रमशः दो तीन और पांच से फल प्राप्त होता है ठीक है भाई तीन, चार और सात से डिवाइड करने पर दो तीन और पांच से फल प्राप्त होता है गहरा एट्टी फोर से डिवाइड करने पर क्या आएगा देखो देखो इस क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन को हमेशा पीछे से बनाओ कैसे सात से डिवाइड करने पर पांच शेष फल है सात से डिवाइड करने पर पांच पलट संख्या तो क्या होगी तो आगे देखो तो आप क्या करते हैं। चार से डिवाइड करने पर तीन इस पलट तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बारह चौको अड़तालीस अड़तालीस और तीन कितना हो गया देखो बारह चौको अड़तालीस और तीन कितना हो गया इक्यावन इक्यावन

तेरा 84 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 155 को जब बेटे आप 84 से डिवाइड करोगे क्या आएगा एक बार टेबल कर लो जैसे करोगे तो कितना आएगा एक 15 में से आठ गया कितना सात सात 71 वन आपका आंसर आएगा चलिए क्लियर हो गया नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर समय सीमा आपके स्टार्ट देखो 7, 56, 57 हो रहा है तो आशुतोष क्लास भी आप लोगों की लाइव आने वाली है तो जित सभी विद्यार्थी चले हम इस पर आए उससे पहले आज कुछ बातें कर लेते हैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं सबसे पहले आप लोग एक काम करें आप यूट्यूब ओपन करें जैसे यूट्यूब पे चाहेंगे तो देखो एस अड्डा ओपन करेंगे जैसे ही बच्चे आप एसएससी अड्डा ओपन करेंगे तो बच्चों ये देखो ये तो मेरी क्लास चल रही है ये मेरी क्लास चल रही है उसी के जस्ट नीचे ऑल फॉर ऑल एसएससी एग्जाम 2023 24 करंट अफेयर ठीक है ऑल ऑल एसएससी एग्जाम 2023 24 करंट अफेयर अब जो सुन लो भाई आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं यहां पर 87 लाइक है मैंने 88 कर लिया तो 2000 बच्चे यहां पर लाइव हैं सारे बच्चे जाकर पहले आप इस सेशन को लाइक कर दें ठीक है ये इस कमेंट बॉक्स में मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ूंगा ये जो कमेंट कमेंट बॉक्स बॉक्स देखो चल रहा है ना इस में मैं भी आपके साथ जुड़ूंगा तो जितने भी लोग यहां पर मुझे लाइव सुन रहे हैं आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि केवल और केवल एक काम करो करंट अफेयर की बेहतरीन क्लास तो सब आज लेने वाले हैं यहां पर तो यार आज तो आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा रीजन है इसका रीजन है भाई करंट अफेयर के लिए आप कहीं ना कहीं कोई बुक परचेज करते हो सब कुछ करते हो एक साथ क्यों ना क्यों पूरे मंथ का करंट अफेयर मिल जाए पूरे महीने का करंट अफेयर अगर हमें डेढ़ दो घंटे में पढ़ा के कोई टीचर दे रहा है साथ ही साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा है तो कितनी बेस्ट चीज है पूरा करंट अफेयर आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो जल्दी से सारे बच्चे इस सेशन में आ जाए जितने भी लोग यहाँ पर लाइव है मेरी क्लास में सारे बच्चे जल्दी से इस सेशन में आ जाए और इस सेशन को कितना लाइक कराना आज 2000 प्लस लाइक करना है क्लास शुरू होने से पहले क्लास शुरू होने से पहले इसमें 2000 लाइक हो जाने चाहिए जितने भी लोग मेरी क्लास में लाइव हैं सारे लोग यहां पर आके सेशन को लाइक कर दें कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए कि अक्षर सर एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में अक्षर सर लिख दो ठीक है सर के कमेंट बॉक्स में ठीक है जल्दी से और एक से डेढ़ में सब उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं यहां पर जाइए सर्च करिए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम जैसे ही आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम सर्च करेंगे इस तरीके का पेज ओपन होगा यहाँ पर ऑल कोर्सेस पे आके एस एस सी पर आके आप जीडी पे आ जाइए देखो जैसे बच्चे आप जी डी पे आएंगे तो देखो आप वीर बैच ले सकते हैं आप युगान बैच ले सकते हैं पर मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा क्योंकि नौ सौ निन्यानबे वाई वन सेवन जीरो वाई वन सेवन जीरो नौ सो उन्नीस रुपए ऐप पे जाओगे क्वाइन लगाओगे तो प्राइस और कम हो जाएगा जैसे आप पे जाओगे क्वाइन लगाओगे तो ये प्राइस और कम हो जाएगा तो जितने लोगों ने नहीं ज्वाइन किया जल्दी से ज्वाइन कर ले ठीक है जितने लोगों ने नहीं ज्वाइन किया जल्दी ज्वाइन करें 12 महीने 12 मंथ्स बच्चे इसकी वैलिडिटी है 12 मंथ्स बच्चे इसकी वैलिडिटी है 12 मंथ्स बच्चे इसकी वैलिडिटी है ठीक है ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है ज्वाइन करने के लिए आप सभी को अड्डा ट्वेंटी या बच्चों अड्डा का ऐप दोनों में कहीं पर भी विजिट कर लो कहीं पर विजिट कर लो कूपन कोड एक ही लगेगा y170 जाइए इसका प्रयोग करिए और ज्वाइन कीजिए इस महापैक को ठीक है गलत कूपन कोड मत लगाना इसके अंदर हर वो चीज मिलेगी जो आवश्यक है यहाँ पर 500 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस हैं 3000 सीरीज और डिटेल सॉल्यूशन के साथ 179 ई-बुक है और 2000 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस हैं याद रखिए कूपन कोड आपको एक ही लगाना y170 जाइए और ज्वाइन कीजिए ठीक ठीक है 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 ये कोड बच्चे आपको आपको लगा लेना है, और सुनिए अगर कोई ऐसा बच्चा है, जो ऑल एग्जाम एक साथ कवर करना चाहता जैसा कि आपको पता चले हैं। देखो आप सीजल के लिए सीजीएल का महापैक जीडी के लिए का पैक, क्यों हम एस एससी महापैक लेस सौ निन्यानवे रुपए इसके अंदर सारे कवर अगर एसएससी महा पैक है तो और कुछ मत लीजिएगा 2759 ₹ बेटे ये आपका हो जाएगा इसके अंदर सारे एसएससी एग्जाम्स कवर ज्वाइन करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम आपको सिंपली r247.com या बच्चों अड्डा का ऐप दोनों में कहीं पर भी विजिट कर लो कूपन कोड एक ही लगेगा y170 y170 इसका प्रयोग करें और ज्वाइन करें ठीक है इसके अंदर सारे सी एग्जाम्स कवर है ये सबसे बेस्ट चीज है यहाँ पर 2000 घंटे की लाइव क्लासेस 6000 टेस्ट सीरीज डिटेल सॉल्यूशन के साथ 1900 ईबुक 9000 घंटे के वीडियो कोर्सेज 12 महीने की इसकी वैलिडिटी है 12 मंथ्स की कूपन कोड एक ही लगेगा Y170 Y170 कोड का प्रयोग करें और ज्वाइन करें ठीक है चलिए सारे बच्चे यहां पर आ जाएं आस्था तो सर की क्लास में सारे बच्चे ये आशुतोष सर की क्लास शुरू होने जा रही है ठीक है तो ये आप लोगों की अस्तोष सर की क्लास शुरू होने जा रही है जल्दी से आ जाइए चलिए ये आशुतोष की क्लास शुरू होने जा रही है तो सारे बच्चे इस क्लास को ज्वाइन करेंगे अरे यार हम्म, चलिए तो यहां पर मैं भी आपके साथ जुड़ा हूं कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लाइव आ जाए यहां पर आपसे मुलाकात करेंगे ठीक है मैं मैं भी चैट पे रहूंगा आप लोगों के साथ तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो पे आके सर कि सर कि आ गया लाइव सारे लोग कमेंट में जाए और लिखे अक्षर सर मैं लाइव आ चुका हूँ जल्दी से जितने भी लोग यहाँ पर हैं सारे लोग कमेंट बॉक्स में पहुंचे और लिखे अक्षय सर मैं लाइव आ चुका हूँ जल्दी से जल्दी से क्योंकि आशोष सर ने अपना सेशन लाइव कर दिया है ठीक है आसतोष सर ने अपना सेशन लाइव कर दिया है तो जल्दी से जितने भी विद्यार्थी यहां पर लाइव हैं, मेरी क्लास में सारे लोग आशुतोष सर की क्लास में जल्डी से, जल्डी से पहुंच जाए जल्दी से जल्दी से पहुंचिए जल्दी से पहुंचिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में यहां पर यार आप लोग कमेंट दिखने चाहिए हमें कि आप लोग आ गए सारे बच्चे जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं मेरे साथ ठीक है सारे बच्चे इस सेशन में लाइव आ जाएं ठीक है चलो 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 जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जल्दी से सभी लोग लाइक 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 करें लाएग करें जितने लोगों ने अभी तक नहीं किया ठीक है पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगवा दिया अपनी वहां से जाके ऐप डाउनलोड करके आप पूरी करंट अफेयर की और मेरी क्लास की पीडीएफ निकाल लीजिएगा ठीक है चलिए तो सभी लोग सर की क्लास में मूव करेंगे सर की क्लास में मूव करेंगे सारे विद्यार्थी ठीक है चलिए और जाते-जाते एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ क्लास की एंड करेंगे कि अगर आप ऑल एसएससी एग्जाम को एक साथ कवर करना चाहते हो तो आप हमारे एसएससी महा पैक में चले जाओ इसको ज्वाइन करने का प्रोसेस आप जानते हैं क्या करेंगे आपको सिंपली adda247.com या बच्चों अड्डा के ऐप पर विजिट करके Y170 कूपन कोड लगा लेना इसके अंदर सारे एसएससी एग्जाम्स कवर सबसे बेस्ट है इसका कोई तोड़ नहीं एस एस सी महापैक का इसके अंदर सीजीएल एम टी एस जी डी सी सिलेक्शन पोस्ट स्टेनोग्राफर दिल्ली पुलिस सारे एग्जाम्स कवर ठीक है थैंक यू जय हिंद दोस्तों पढ़ते रहो सेफ सेफ रहो 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 पढ़ते थैंक यू गाइस